झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। बच्चों, आज हम एक अलग तरह का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्यों अलग तरह का, क्या है उसमें? हाँ, उसमें है साक्षात्कार। नहीं समझे? इंटरव्यू। हाँ, ये बराबर समझ में आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, अमृतलाल नागर जी जैसे महान लेखक का इंटरव्यू लेखक ले रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, मोदी जी से लेकर तो गांव के किसी ग्राम सेवक तक आपने कई बार इस तरह के इंटरव्यू पढ़े होंगे, टीवी पर भी देखे होंगे। आज के इस इंटरव्यू में उनके द्वारा उनके अनुभव की कहानी और उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, कहां से कहां तक का सफर शुरू हुआ, आज वो है। जैसे उन्होंने पूछा कि आपका लेखन काल कहां से शुरू हुआ, फ्लैशबैक, बचपन में मेरे घर में पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन्स। आपने पढ़ी है कोई मैगजीन, कोई पत्रिका, कोई किताब? नहीं, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं। पढ़ना चाहिए ना बेटा, बहुत सारी। आपके दादी नानी को पूछ के देखो, उनके बचपन की, मम्मी पापा से पूछ के देखो, कितनी अच्छी अच्छी। चांदोबा आठवता का तुम्हाला? अकबर बीरबल, विक्रम वेता, पंचतंत्र, ऐसे बहुत सारी कहानियों की किताबें आती थी, मैगजीन्स आते थे, धर्मयुग होता था, याद है? तो साक्षात्कार लेने वाले ने पूछा कि आपके लेखन काल की शुरुआत कैसे हुई। जाहिर है घर से होती है, घर में जैसा माहौल हो वैसा ही बनता है। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि मेरे पितामह यानी दादाजी पत्रिकाएं मंगाते थे, एक सरस्वती और एक गृहलक्ष्मी। फिर उस समय हमारे सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था, बंकिम चंद्र का था, शरद चंद्र चैटर्जी का था, एक से बढ़कर एक ग्रेट लेखक। आपको तो प्रेमचंद जी की कहानी भी है, बूढ़ी काकी, याद है ना आपको? क्या महान लेखक रहे हैं ये, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी। तो उससे जाहिर है प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने कविता लिखनी शुरू की। साइमन गो बैक, इतिहास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो वगैरह आंदोलनों की शुरुआत थी। उस टाइम गांधी जी देश को पुकारते थे और देश सुनता था, ऐसे नेता थे उस जमाने में। तो मैंने भी एक कविता लिखी, मैंने मतलब अमृतलाल नागर जी ने, हाँ, तो मैंने भी एक कविता लिखी कि उस कविता की लाइन देखो आप, कपलो कहो लाठी का, लाठियां चलाते थे, तो बस लाठी पर कविता लिखी। इंटरव्यू लेने वाले ने यानी साक्षात्कार लेने वाले ने पूछा कि फिर आप राजनीति में क्यों नहीं गए? नहीं, पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, पिताजी ने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से नहीं रोका, लेकिन सरकारी आंदोलनों से रोका, क्रांतिकारी आंदोलनों से रोका। अब बेटा ऐसा है, अब हर कोई तो भगत सिंह नहीं बन सकता, असेंबली में जाके बॉम्ब तो नहीं फेंक सकता। कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते थे, अर्थात क्रांतिकारियों की मदद करना, अच्छा लेखन लिखना, कविताएं रचना, फिल्म बनाना, चल चल रहे नौजवान, उस जमाने में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। तो हर कोई अपनी अपनी तरह से देश सेवा ही कर रहा था, लेखक ने भी कुछ ऐसा ही किया। लेखक कहते हैं कि बस समाज में जो कुछ भी मैं देखता था, मैं उसी तरह से अपने लिखावट में, अपने लेखन में उस पर मेरा असर हुआ। हाँ, उन दिनों मेरी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से भी हुई। मैं अस्पताल में जाता था, वहां उनकी माताजी अस्पताल में थी, तो उनसे बहुत सारी बातचीत होते रहती थी। नेहरू जी तो जेल में थे। अब मेरा पहला उपन्यास, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैंने मेरा पहला उपन्यास लिखा महाकाल 1944, आपकी भाषा में कहूं तो 1944, जो बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बच्चों, कभी आप गूगल पे सर्च करना 1944, उस वक्त सूखा पड़ा था, डॉट अकाल, आप वो सर्च करके देखना,
रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। इन अंग्रेजों ने हम पर कितने अत्याचार किए और हमारी तकलीफों में उन्होंने किस तरह से और तकलीफें बढ़ाई। और कुछ धनवान लोग, अक्सर मैं आपसे कहती हूँ ना कि धनवान धन उसके पास शोभा देता है जो उपकारी होता है, लेकिन धनवान लोगों ने गरीबों की मदद नहीं की। बंगाल में इतना सूखा पड़ा था, आप विश्वास नहीं करोगे, स्मशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी। एक के ऊपर एक लाशें रखकर लोग फेंक जाते थे। एक मुट्ठी पर भात के लिए लोग अपना जीवन सर्वस्व देने को तैयार थे, कंकाल बन गए थे। अपने भारत का वो सबसे खतरनाक अकाल था। आप सर्च करके देखना उस दौरान के फोटो। लेखक कहते हैं कि मैंने भूख नाम का उपन्यास लिखा जो बाद में 1946 में प्रकाशित हुआ। मेरे कुछ साथी लेखक भी थे जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी और हाँ माधव शुक्ल भी थे। वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे। वो अपने कुर्ते की जेब में ना जलियन वाला बाग की मिट्टी रखते थे। आप गए हो जलियन वाला बाग? नाम सुन के रोंगटे खड़े नहीं हो जाते आपके? जलियन वाला बाग कितनी खतरनाक घटना थी वो, जबरदस्त। ऐसा लगता है कि बस काश हम उस वक्त होते तो हम भी वही करते जो उधम सिंह ने किया। उधम सिंह ने बाद में उस जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा, तब जाकर हमारे दिल को जैसे शांति मिली। वे हमेशा अपने जेब में जलियांवाला बाग की मिट्टी रखते थे। आजानुबाहु थे, आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा, आजानुबाहु। अच्छा बच्चे खड़े हो जाओ तो जरा, ऐसे ऐसे खड़े रहो। तुम्हारा हाथ घुटने के नीचे आता है? नहीं ना, नहीं आता, हम सामान्य लोग हैं ना। लेकिन जिसका हाथ घुटने के नीचे तक पहुंचता है उसे आजानुबाहु कहते हैं। मैंने पढ़ा है, देखा तो नहीं है कि प्रभु श्री राम थे, अर्जुन थे, और इतिहास में कहीं पढ़ा है महाराणा प्रताप के बारे में भी। तो माधव शुक्ल आजानुबाहु थे। परमात्मा ने हर एक को कोई ना कोई गिफ्ट देकर ही भेजा है। किसी की आंखें, किसी की हाथों की उंगलियां, कलाकार लोगों की उंगलियां कितनी लंबी होती है, तो एक एक विशिष्टता होती है हर एक व्यक्ति के। तो माधव शुक्ल आजानुबाहु थे। मैं पुराने साहित्यकारों में तुलसीदास जी को मानता हूं, सूरदास को मानता हूं। कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कोई कहता है जन्म से अंधे थे, कोई कहता है बाद में अंधे हुए। ऐसे विवाद तो चलते रहते हैं, लेकिन सूरदास की बात ही निराली है। जैसे तुलसीदास जी का अंदाज अलग है, वैसे सूरदास जी, आपको पता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको सूरदास जी की काव्य रचना थी। सूरदास जी के हर काव्य में कृष्ण कन्हैया छोटे है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तुलसीदास जी राम भक्त थे। हर एक संत ने हमें कुछ ना कुछ तो खास दिया ही है। अंत में साक्षात्कार लेने वाले पूछते हैं कि आपने पूरा भारत भ्रमण किया? हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से कश्मीर तक, पेशावर से कन्याकुमारी तक, मैं सब जगह घूमा। और मैं इतना घूमकर मैंने लोगों के चरित्र को देखा, तब कहीं जाकर वो उसे कहानी में उतारा। मेरी एक कहानी है गदर के फूल, उसके लिए भी मैं बहुत लोगों से मिला। नाच्यो बहुत गोपाल, उसके लिए तो सफाई कर्मचारियों की बस्ती में गया, स्वीपर उनकी बस्ती में गया, उनसे जाके मिला, बहुत करता रहा। ऐसा लगता है कि एक पूरी पूरी आत्मशक्ति, मन की शक्ति एकत्रित हो तो कहीं ज्ञान का कोई दिया जलता है, कोई कलाकृति का जन्म होता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। पत्नी का देहांत हो गया, अब स्वास्थ्य इतना साथ नहीं देता, पर जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूंगा। तो जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूंगा, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जब तक जिंदा हूँ पढ़ाती रहूँ। क्यों बच्चों, ठीक है ना? आज बस इतना ही।